लुप्त होते गोडाउन के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण निकायों और समझौते से इसके संरक्षण में मदद मिलेगी। हाल ही में गुजरात में आयोजित सम्मेलन में इस पर चिंता जताई गई थी। इस सम्मेलन में राजस्थान के प्रतिनिधिमंडल में शामिल जैसलमेर में पद स्थापित उप वन संरक्षक कपिल चंद्रावल ने बताया कि गोडाउन के संरक्षण के लिए जैसलमेर मॉडल अपनाने की बात कही गई। सम्मेलन में 100 से अधिक देशों के करीब 2,500 प्रतिनिधियों ने विलुप्त प्रवासी प्रजातियों के बारे में गहन विचार विमर्श किया। दिनांक 15 फरवरी से 22 फरवरी तक गांधीनगर गुजरात में यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र की कन्वेंशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज़ की एक कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 13वीं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज भारत में गांधीनगर में आयोजित की गई, जो कि अपने आप में एक बहुत ही विशेष बात है कि भारत को इस COP यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ को होस्ट करने का एक अवसर प्राप्त हुआ। सबसे प्रमुख बात हमारे लिए ये रही कि उसका जो शुभंकर चुना गया वो गोडाउन, जो हमारा राजस्थान का राज्य पक्षी है, उस GIBI के नाम से गोडाउन को उसका शुभंकर बनाया गया। इसमें एक जो महत्वपूर्ण उपलब्धि हमारे लिए जिसे हम कह सकते हैं वो यह रही कि CMS जो है कन्वेंशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज़, इसका एक बॉर्न कन्वेंशन की अपेंडिक्स जारी करती है, जिसमें अपेंडिक्स 1 में गोडाउन को इस बार सम्मिलित कर लिया गया है। इससे प्रभाव यह पड़ेगा कि गोडावन क्योंकि एक उड़ने वाला पक्षी है, वह सीमा के आर पार भी ये उड़ता है, उड़ सकता है, तो ये विभिन्न देशों में जहाँ पर ये पाया जाता है, जैसे कि भारत और पाकिस्तान में, यहाँ भी इसके सुरक्षा और इसके कंजर्वेशन के लिए प्रयास अंतर्राष्ट्रीय स्तर से किए जा सकेंगे।